हस्बैंड है, 6 साल कस्टडी हो गया है। जजमेंट क्यों गलत है? आप ये तो बताएंगे ना कि ये जो जजमेंट जिसको आपने चैलेंज किया है वो क्यों गलत है? दे हैव बीन ग्रांटेड बेल। यस लव सर। यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार फॉर द अपीलेंट मिस्टर राजकिशोर प्रसाद, श्रीमती कुमारी सुजाता सिंह। लव सर हस्बैंड है, 6 साल कस्टडी हो गया है और कन्विक्शन क्या जनरल है? जनरल ओमनीवास एलिगेशन ऑल एक्यूज्ड पर्संस लॉसी, बट इनका जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट लॉसी और अदर कोई एक्यूज्ड का 7। तो अदर कोई एक्यूज्ड दे हैव बीन ग्रांटेड बेल। यस लॉस इनका नहीं हुआ, 6 साल कस्टडी हो गया हुआ। हाउ इज द ऑर्डर बैड? जी कोई एक्यूज्ड का लॉसी नहीं, वो ऑर्डर नहीं, वो जजमेंट क्यों गलत है? आप ये तो बताएंगे ना कि ये जो जजमेंट जिसको आपने चैलेंज किया है वो क्यों गलत है जजमेंट, तभी तो बेल देंगे। ग्राउंड हमारी है कि जनरल एफआईआर में ही जनरल ओमनीबस एलिगेशन टोटल जो है मोटरसाइकिल का डिमांड करते थे, फुलफिल नहीं करने पर ये लोग सारे लोग मारे हैं। जनरल एंड ओमनीबस एलिगेशन तो एफआईआर में जनरल ओमनीबस कर सकते हैं, लेकिन जी, और एविडेंस में क्या आया? इसको पास ओवर इसको देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा ही नहीं था। पास ओवर आप पढ़ी है एविडेंस? अभी आरक्यू करेंगे ना। जी जी मंडे को 4B का इंग्रेडिएंट देखेंगे, फिर एविडेंस देखेंगे, फिर बताएंगे कि ये चीज साबित नहीं हो पाया 304B का। यस सर। तब हम देखेंगे आपका मंडे को एज रिक्वेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द एपेलेंट टू लिस्ट दिस केस ऑन 1 वीक। यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार फॉर द अपीलेंट मिस्टर राजकिशोर प्रसाद, श्रीमती कुमारी सुजाता सिंह। लॉसी हस्बैंड है, 6 साल कस्टडी हो गया है और कन्विक्शन क्या जनरल जनरल ओमनीवास एलिगेशन ऑल एक्यूज्ड पर्संस लॉसी, बट इनका जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट लॉसी और अदर कोई एक्यूज्ड का 7। तो अदर कोई एक्यूज्ड दे हैव बीन ग्रांटेड बेल। यस लॉस इनका नहीं हुआ, 6 साल कस्टडी हो गया हुआ। हाउ इज द ऑर्डर बैड? जी कोई एक्यूज का लॉसी नहीं, वो ऑर्डर नहीं, वो जजमेंट क्यों गलत है? आप ये तो बताएंगे ना कि ये जो जजमेंट जिसको आपने चैलेंज किया है वो क्यों गलत है जजमेंट, तभी तो बेल देंगे। ग्राउंड हमारी है कि जनरल एफआईआर में ही जनरल ओमनीबस एलिगेशन टोटल जो है मोटरसाइकिल का डिमांड करते थे, फुलफिल नहीं करने पर ये लोग सारे लोग मारे हैं। जनरल एंड ओमनीबस एलिगेशन तो एफआईआर में जनरल ओमनीबस कर सकते हैं, लेकिन जी, और एविडेंस में क्या आया? एविडेंस में लॉसी इसको पास ओवर इसको देख एविडेंस तो आपने पढ़ा ही नहीं था। पास ओवर आप पढ़ी है एविडेंस? अभी आरक्यू करेंगे ना। जी जी मंडे 4B का इंग्रेडिएंट देखेंगे, फिर एविडेंस देखेंगे, फिर बताएंगे कि ये चीज साबित नहीं हो पाया 304B का। यस सर। तब हम देखेंगे आपका मंडे को एज रिक्वेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द एपेलेंट टू लिस्ट दिस केस ऑन 1 वीक।